नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सुभाष। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल शुभ प्रेडिक्शन की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले TNPL 2023 की 15 नंबर मैच के बारे में। सलीम स्पैटन और मदुराई पैंथर के बीच में ये घमासान होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम यहां पे जानेंगे इन दोनों टीम में से इस मैच को कौन सी टीम विन कर सकता है। पॉइंट टेबल, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड प्लेइंग 11, इस मैच की हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलेंगे और जानेंगे सब कुछ। इस मैच की हम डेट और टाइम के बारे में बात करें तो ये मैच आपको 24 जून 2023 को इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पे शुरू होता हुआ दिखेगा। इस दिन को डबल हेडर मैच खेले जाने वाला है। दोपहर को 3:15 पे खेला जाने वाला है 14 नंबर मैच नेलाई रॉयल किंग्स और चेपक सुपर गिलीस के बीच। दोनों मैच से प्रॉफिट का जो प्रिडिक्शन हम आपको टेलीग्राम पर देंगे। प्रॉफिट के प्रिडिक्शन में आपको टेलीग्राम पर मिलेगा टॉस, कौन सी टीम जीतेगा, कौन सी सेशन में कितना रन बनेगा, कौन सी सेशन एस होगा, कौन सी सेशन नो होगा, विकेट कॉल, मैच विनर, जैकपॉट, इन सभी का करंट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा हम कितना प्रॉफिट आपको दिलवाते हैं। जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वरना इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे लेके चलते हैं और शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे दोनों ही टीम की पॉइंट टेबल से। पहले हम सलीम स्पैटन की पॉइंट टेबल को देखें तो इन्होंने इस सीजन में 2 मैच खेले हैं, 1 मैच में हारे हैं और 1 मैच में जीते हैं। पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है। मगर हम बात करें मदुराई पैंथर की तो इनका अभी तक इस सीजन में खाता खुला ही नहीं है। इन्होंने इस सीजन में जो 2 मैच खेले हैं, दोनों के दोनों मैच में इनको हार झेलना पड़ा है। पॉइंट टेबल में 0 पॉइंट के साथ आखिरी स्थान पर मौजूद है, यानी कि 8वें नंबर पर मौजूद है। अब चलिए ये मैच जहाँ पे खेला जाएगा वहाँ की पिच रिपोर्ट को विस्तार में जान लेते हैं। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा SCF क्रिकेट ग्राउंड पर। इस मैदान पर TNPL के अभी तक 9 मैचेस खेले गए हैं। इन 9 मैच में से यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 44% मैच में विन करते हुए देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे पहले बॉलिंग करने वाली टीम 56% मैच में विन करते हुए देखने को मिले हैं। ये बीच भी दोस्तों यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें इन 9 मैच में यहाँ पे जो एवरेज स्कोर दिखी थी वो है दोस्तों, यहाँ पे पहले इनिंग्स में 129 देखने को मिली थी, सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे 98 रन देखने को मिली थी। अगर हम बात करें पिच की बिहेवियर की, यहाँ पे लास्ट के जो 9 मैच खेले गए थे उन 9 मैच में से ये पिच बॉलिंग फेवर पिच रह चुकी है। पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत बेहतर रही है। स्पेस वर्सेस स्पिन को देखें तो स्पेस गेंदबाज यहाँ पे 48% विकेट्स लेते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पिन गेंदबाजों का बहुत दबदबा देखने को मिलता है। स्पिन गेंदबाज यहाँ पे 52% विकेट लेते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस वेन्यू की एवरेज स्कोर की तो आपको यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पहले का जो 6 ओवर में पहले इनिंग्स में 30-35 का स्कोर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकंड इनिंग्स में वो स्कोर 35-40 तक देखने को मिल सकता है। 10 ओवर में आपको यहाँ पे पहले इनिंग्स में 59-60 रन देखने को मिल सकता है। सेकंड इनिंग्स में आपको यहाँ पे 55-60 के करीब देखने को मिलेगा। 15 ओवर में आपको यहाँ पे पहले इनिंग्स में 85-90 रन देखने को मिल सकता है। सेकंड इनिंग्स में 80-85 के करीब देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें 20 ओवर तक की यहाँ की एवरेज स्कोर की तो आपको यहाँ पे 20 ओवर में पहले इनिंग्स में 125-130 के करीब देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो स्कोर घटता हुआ 115-120 के करीब देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों आपके और हमारे भाषा में इसको सेशन बोलते हैं। इससे हम ढेर सारा प्रॉफिट भी कमाते हैं। आप इन सारे सेशन का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो हम बताएंगे कि इन सारे सेशन में से कौन सी सेशन एस होगा, कौन सी सेशन नो होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम वीडियो में जो भी मैच विनर दिए होंगे, आखिरी मोमेंट में हमें मैच विनर बदलना पड़े तो उसकी भी करंट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे सलीम स्पैटन की तरफ से इनके प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। मदुराई पैंथर की तरफ से भी इनके प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। सबसे पहले हम सलीम स्पैटन की प्लेइंग 11 को देखें तो इनके टॉप ऑर्डर में आपको दिखने वाले हैं कोशी गांधी के साथ आपको दिखेंगे मोहन बफन, इनके बाद आपको दिखेंगे सचिन रोहित, RS मोकित हरिहरन, M गणेश मूर्ति, अमित सात्विक, सनी साधु, अभिषेक तनवर, रवि कार्तिक और आकाश सुमरिया। 11 खिलाड़ी सलीम स्पैटन की तरफ से आपको नजर में आने वाले हैं। सलीम स्पैटन की कुछ की प्लेयर की बात करें तो कोशी गांधी इस मैच में कुछ बड़ा करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने 3 इनिंग्स खेल के 126 रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट 132.63 की रह चुकी है। इनका एवरेज 63 की रह चुकी है। अब हम मदुराई पैंथर की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इनके टॉप ऑर्डर में आपको दिखेंगे एस कार्तिक के साथ हरि निहात, स्वप्निल सिंह, दीवान लिंगेश, मुर्गन अश्विन, सुधन कंदेपन, बल्लू सूर्या, गुरजतनीप सिंह, देव राहुल। 11 खिलाड़ी मदुराई पैंथर की तरफ से आपको खेलते हुए नजर में आएंगे। मदुराई पैंथर की प्लेयर्स की बात करें तो आपको इस मैच में मदुराई की तरफ से इनके कैप्टन हरि निशांता कुछ बड़ा करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने इस सीजन में 2 इनिंग्स खेल के 88 रन बना चुके हैं। 114.29 की इनका स्ट्राइक रेट रह चुकी है। इनका एवरेज है 44। दोस्तों इन दोनों टीम की हेड टू हेड की रिपोर्ट के ऊपर बात करें
करें तो दोनों टीम के बीच में टोटल 6 मैचेस खेल गए हैं। इन 6 मैच में से सलीम्स पैटर्न की टीम 3 मैच में बढ़त हासिल किए हैं। वैसे ही मदुरई पैंथर की टीम 3 मैच में जीत हासिल किए हैं। ये जो दोनों टीम इनके लास्ट के जो 5 मैच खेले थे, सलीम्स पैटर्न की टीम 5 मैच में से 2 मैच में ही जीत पाए हैं, 3 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है। मदुरई पैंथर की टीम इनके लास्ट के 5 मैच में से 4 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है, 1 मैच में ही जीत पाए हैं। यहाँ पे मदुरई पैंथर से सलीम्स पैटर्न की टीम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे दिख रही है। चलिए दोनों टीम को और भी बारीकी से जान लेते हैं दोनों टीम की कंपैरिजन करके। आपको यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा दोनों टीम जो लास्ट के 10-10 मैच खेले थे, सलीम्स पैटर्न की टीम 10 मैच में से 2 ही मैच में जीत पाए हैं, लेकिन मदुरई पैंथर की टीम 10 मैच में से 5 मैच में जीत हासिल किए हैं। एवरेज स्कोर सलीम्स पैटर्न की 127 रही है, मदुरई पैंथर की 135 रही है। बात करें इनके हाई स्कोर की तो सलीम्स पैटर्न की टीम 165 पर है, मदुरई की टीम हाई स्कोर में 183 पर है। बाकी लोएस्ट स्कोर में सलीम्स पैटर्न की टीम 87 पर है, मदुरई पैंथर की टीम 76 पर है। इन 10 मैच की रिपोर्ट में हमें मदुरई पैंथर की टीम थोड़ा आगे दिख रही है। इस मैच में भी हमें शायद मदुरई पैंथर की दबदबा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों प्रिडिक्शन टाइम, चलिए जान लेते हैं इस मैच में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन कर सकता है। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे रिपोर्ट, सारे स्टैक्स, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, हेड टू हेड प्लेइंग 11 और दोनों टीम को कंपैरिजन करने के बाद, आपको इस मैच में सलीम्स पैटर्न की टीम विन करता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों हमने तो हमारा विनर टीम दे चुके हैं, लेकिन आपके मन में क्या राय है, इस मैच को इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन कर पाएगा, आपकी कीमत राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।